मुझे एक लड़की से बात करने में शर्म आता है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि किसी को कोई काम करने में शर्म आता है। जैसे मुझे स्टेज पर गाना गाने में शर्म आता है, मुझे यह काम करने में शर्म आता है, उसको साड़ी पहनने में शर्म आता है, मुझे घोड़े की सवारी करने में शर्म आता है, उसे गाना गाने में शर्म आता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है जहां आप कहते हैं कि किसी इंसान को कोई काम करने में शर्म आता है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे फाइट साई ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी आप फाइट साई ऑफ के साथ एक जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझे। मुझे गाना गाने में शर्म आ रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम फाइटिंग साई ऑफ सिंगिंग, यानी मुझे गाना गाने में शर्म आ रहा है, मुझे यह करने में शर्म आ रहा है, आई एम फाइटिंग साई ऑफ डूइंग दिस, मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आता है, आई फाइट साई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल, मुझे अकेले जाने में शर्म आता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फाइट साई ऑफ गोइंग अलोन, उसे खाना पकाने में शर्म आ रहा है, शी इज फाइटिंग साई ऑफ कुकिंग, मुझे घोड़े पर बैठने में शर्म आता है, आई फाइट साई ऑफ राइडिंग द हॉर्स, उसे साड़ी पहनने में शर्म आ रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज फाइटिंग साई ऑफ वियरिंग साड़ी, मुझे आपसे बात करने में शर्म आ रहा है, आई एम फाइटिंग साई ऑफ टॉकिंग टू यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि फाइट साई ऑफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना किसी इंसान को कोई काम करने में शर्म आ रहा है। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप फाइट का सेकेंड फॉर्म फाउट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके सेंटेंस रहा था रही थी, जैसे शर्म आ रहा था शर्म आ रही थी, तो आप वर्ड वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस आता है, क्योंकि मैंने पार्ट 6-10 में आपको सभी टेंसेस सिखाया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।